बास टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं राज संधू लेके हाजिर हाँ अज दियां खास खबरां। गुरद्वारा श्री दुख निवारण साहिब पटियाला विखे शराब पीण की घिनौनी हरकत करन वाली औरत की मौत मगरों गिरफ्तार किए गए सिख नौजवान निर्मलजीत सिंह नूं श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कानूनी मदद दी जाएगी। यह ऐलान श्रोमणी कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने किया है। दफ्तर श्रोमणी कमेटी तो जारी एक बयान विच एडवोकेट धामी ने कहा है कि गुरद्वारा साहिबान नाल संगतां दीआं धार्मिक भावनावां जुड़ियां हुंदियां हन। इस तहत ही जज्बातां दे वेग विच निर्मलजीत सिंह कोलों कार्रवाई हुई है। श्रोमणी कमेटी निर्मलजीत सिंह अते उस दे परिवार दे नाल खड़ी है अते कानूनी मदद लई वचनबद्ध है। श्रोमणी कमेटी के प्रधान ने कहा है कि इस घटना दौरान जख्मी होए एक श्रद्धालु के इलाज लई भी श्रोमणी कमेटी वल्लों सहयोग किया जा रहा है। अमेरिका के सीनियर अधिकारी ने कहा है कि रूस भारत चीन और सऊदी अरब समेत कई देशों दी सरकारां खुलेआम धार्मिक भाईचारियां दे मैंबरां नूं निशाना बना रही हैं। विदेश विभाग ने अंतरराष्ट्री धार्मिक आजादी उत्ते अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की जो दुनिया भर के देशों विच धार्मिक आजादी की स्थिति का दस्तावेज है। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक आजादी रिपोर्ट 2022 अमेरिकी विदेश मंत्री द्वारा जारी की गई। अत्याधुनिक सहूलतों नाल लैस नवे शानदार संसद भवन की इमारत का काम अंतिम पड़ा उत्ते है अते इस महीने के अंत तक इस दे बन के तैयार होण की संभावना है। नवे संसद भवन की सफाई शुरू हो गई है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नवे संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई के नेड़े तेड़े भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होण उत्ते कर सकते हैं। नवे संसद भवन की उसारी 2 साल पहला शुरू हुई सी। नवी इमारत देश के पावर हाउस सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुजगार मेले तहत सरकारी विभागों में चुने गए 71,000 कर्मचारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही नियुक्ति पत्र जारी किए। इस मौके उन्हें कहा है कि तुसी सारे ने सख्त मेहनत नाल यह नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है, इसलिए मैं तुहानू अते तुहाडे परिवार को वधाई दिंदा हाँ। उन्हें अगे कहा है कि इन 9 सालों दौरान रुजगार दीआं नवीआं संभावनावां ध्यान विच रखदिआं सरकार दीआं नीतियां बनाईआं गईआं हन। कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों 71,000 नियुक्तियां पत्र वंडण उत्ते व्यंग करदिआं कहा है कि सरकारी विभागों में 30 लाख असामियां खाली हैं पर भर्ती पत्रां दी वंड दा ड्रामा रचिआ है। उन्हां यह भी दोष लाया है कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करन वाले प्रधानमंत्री मोदी ने हुण तक 18 करोड़ नौजवानों के सुपने तोड़े हैं। फरीदकोट तो कांग्रेस के सबका विधायक कुशलदीप सिंह उर्फ किक्की ढिल्लों नूं गिरफ़्तार कर लिया गया है। किक्की ढिल्लों नूं आमदन तो वध जायदाद बनाउण दे मामले विच बिजनेस वल्लों गिरफ़्तार किया गया है। दरअसल पंजाब बिजनेस विभाग वल्लों किक्की ढिल्लों खिलाफ़ आमदन तो वध जायदाद बनाउण दे मामले की जाँच चल रही सी। सूत्रों मुताबक किक्की ढिल्लों नूं बिजनेस ने पुछगिछ लई बुलाया सी अते इस दौरान ही उन्हां नूं गिरफ़्तार कर लिया। पंजाब ने रवनीत कौर नूं कंपीटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन नियुक्त किया है। अक्तूबर 2022 विच अशोक कुमार गुप्ता का कार्यकाल खत्म होने तो बाद CCI विच कोई भी फुल टाइम चेयरपर्सन नहीं सी। CCI मैंबर संगीता वर्मा पिछले साल अक्तूबर तो चेयरपर्सन वजो कामकाज संभाल रहे सन। रवनीत कौर 1988 पंजाब केडर के IAS अधिकारी हैं। उन्हां दी नियुक्ति चार्ज संभालण की मिति तो 5 साल की म्याद ज 65 साल की उम्र तक ज अगले हुक्मां तक होवेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई विच गुजरात के उन्हां जजां दीआं पटीशनां उत्ते सुनवाई करन लई सहमति दित्ती है जिन्हां दीआं तरक्कियां उत्ते उसने 12 मई नूं रोक लगाई सी। गुजरात के जजां ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट वल्लों उन्हां दी तरक्की उत्ते रोक लगाउण तों बाद ओह अपमानित महसूस कर रहे हन। लुधियाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश करदिआं उस दे 3 मैंबरां नूं गिरफ़्तार किया है। काबू किए गए कथित दोषियों विच एक लड़की भी शामिल है।
जानकारी दिंदिया पुलिस कमिश्नर मनदीप सिंह सिद्धू ने दस्या है कि इन्हां दे कब्जे विच्चों 40 लाख रुपए की नकदी, करोड़ों रुपए मुल के हीरे अते सोने के गहने, करोड़ों रुपए मुल दीआं महंगीआं कारां अते जायदाद के दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस वल्लों इन्हां पासों पुछ पड़ताल की जा रही है अते कई होर प्रगटावे की भी संभावना है। पाकिस्तान के कोहाट विच पेंदे दारा आदम खेल विच एक कोले की खान की हदबंदी के विवाद विच दो कबीलों विचकार खूनी झड़प विच घट्टो घट 16 लोग मारे गए। पुलिस ने इस घटना की जानकारी दिती। उन्हां दस्या कि एक घटना पेशावर तो करीब 35 किलोमीटर दूर कोहाट जिले के डेरा आदम खेल इलाके विच वापरी। सो ये सन अज दियां कुछ खास खबरां, कल फिर मिलांगे कुछ होर खबरां दे नाल। तद तक मैनू दिओ इजाजत, सत श्री अकाल।